गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये देखिए, ये पीछे की ओर का पूरा जो व्यू है, वो इतनी ज़्यादा बारिश है कि जो पानी वो कैमरे पे आ रहा था, तो फिर मैं ज़्यादा पास नहीं ले जा रही थी, मतलब कि बाहर की ओर नहीं लेके जा रही थी। आप देख सकते हो, मैंने जूम करके दिखाया, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बारिश है। और बारिश की वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, घर में तो एकदम अंधेरा। अभी मैंने जो बारी वगैरह है तो उसके पर्दे वगैरह खोले तो थोड़ा बहुत ये दिख रहा, नहीं तो एकदम ही अंधेरा दिख रहा है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो रूम में, अगर मैं सारे पर्दे वगैरह बंद कर दूँ ना तो ऐसा लगेगा जैसे रात हो। और ये सारे पक्षी बेचारे हैं, बारिश इतनी तेज़ है कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए। और चलिए बाहर भी देखते हैं कैसा मौसम है इस साइड आगे की ओर। तो ये देखिए, अभी थोड़ी कम हुई है लगता है बारिश आगे की ओर आते, लेकिन अभी भी बादल पूरे काले काले हो रखे हैं, मतलब कि बारिश तो आनी ही आनी है। ऐसे अभी भी चालू है, लेकिन जो एकदम ज़्यादा वाली आ रही थी ना, वो थोड़ी कम हो गई है बारिश। और पौधों में पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं है, बारिश की वजह से सारे पॉट में पानी अच्छे तरीके से भर गया है। तो अभी ये एक काम मेरा कम हो गया है कि मुझे पौधों में पानी वगैरह देना नहीं पड़ता। हाँ, ये ऊपर की साइड इस तरफ रखे हुए हैं, वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस साइड की बारिश होगी तो ही उसमें पानी आएगा, वरना नहीं। तो अभी मौसम इतना अच्छा है, अंधेरा ऐसा लगता नहीं कि अभी सुबह है। तो चलिए चलते हैं किचन में और फटाफट अभी जो चाय बनाने के लिए रखी है तो वो देखते हैं, क्योंकि मैंने गैस जो है वो उसकी फ्लेम लो कर दी थी, तो चाय कर रही थी मेरी। तो ये देखिए, चाय बन रही है, क्योंकि ऐसे बारिश के मौसम में चाय पीना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरा नया वाला गैस, इस पर तो क्या बना है, ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है अभी तो कुकिंग करना भी। तो चलिए, अभी चाय कर रही है, चाय भी बनने ही वाली है, तो थोड़ी सी और कड़क कर लूँ, उसके बाद चाय पी लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सब्ज़ी मंगाई थी, तो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं शिमला मिर्च है ये, और नींबू भी है इसी में, और ये है फ्लावर फूल गोभी। तो ये देखिए, और उसके बाद ये है आलू। आलू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आलू की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए। और ये है दूधी, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, घिया बोलते हैं कोई, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम दूधी बोलते हैं। और ये है ककड़ी सलाद के लिए। तो बस अभी इतना ही मंगवाया है, क्योंकि बारिश के टाइम पे ज़्यादा मंगवा के रखते हैं तो ख़राब हो जाता है इसलिए। तो ये सारी सब्ज़ियाँ हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं दोपहर का खाना। तो सबसे पहले तो मैंने दही को वघार लगा दिया था, तो हम इसे बोलते हैं वघारेलू दही, शायद आप इसे दही की तिखारी भी बोल सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है और फटाफट से बन जाती है, अगर कोई सब्ज़ी घर पे नहीं है तो भी आप फटाफट से इसे बना सकते हो। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए ही मैंने ये दही बनाया था।
घरेलू दही मतलब कि। तो दूसरी सब्जी मैं बनाने वाली हूँ दूधी की सब्जी, तो उसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और ये है सारे ड्राई मसाले और दो चम्मच जितना तेल डाला है। अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो ये देखिए, और ये सारे ड्राई मसाले जो अभी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, तो राई, जीरा, लहसुन और हींग का तड़का लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें राई डाल दी है और उसके बाद मैंने डाला है जीरा और अब मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। तो ये देखिए, अभी थोड़ी सी राई वगैरह तड़क जाए और थोड़ा लहसुन वगैरह थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए तो उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे दूधी। दूधी को अच्छी तरीके से हमें काट के वॉश करके फिर कट करना है। सब्जी तो ऐसे ही कट होती है, पहले अच्छी तरीके से हमें उसे वॉश कर ही लेना पड़ता है, उसके बाद ही हमें कट करना है। तो ये देखिए, अभी मेरा जो लहसुन वगैरह है तो वो भी थोड़ा बहुत ब्राउन होने लगा है। तो बस अब मैं इसमें डालूंगी दूधी। ये देखिए, अच्छी तरीके से सब कुछ तड़क गया है। चलिए डाल देते हैं। तो ये डाल दी है मैंने अभी इसमें दूधी और अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लेंगे। सब्जी मैंने चढ़ा दी है तो तड़का वगैरह लगा दिया है। तो एक तरफ मैं फिर आटा भी गूंद लेती हूँ और आटा गूंद के एक गैस पे रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए, अभी सब्जी में जो भी मसाले हैं ड्राई तो वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले ड्राई मसाले में डाला है मैंने हल्दी और उसके बाद जो काश्मीरी रेड चिली पाउडर आता है कलर के लिए, तो बस वही डाला है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और जो ग्रीन चिली पेस्ट है वो डालनी है, क्योंकि यहाँ पे हम तीखी वाली लाल मिर्च नहीं यूज़ कर रहे हैं, काश्मीरी डाली हुई है। तो फिर तीखापन के लिए जो भी है तो वो मैं डालूँगी हरी मिर्च की पेस्ट। तो ये मसाले का डब्बा वगैरह बंद करके अब मैं इसमें जो मैंने कद्दूकस कर ली थी, मतलब कि क्या बोलते हो आप पता नहीं, तो ये पेस्ट मैंने बना ली थी तो ये मैंने डाल दी है सब्जी में। और अब सारे मसाले आ गए, सिर्फ अभी नमक डालना है। तो पहले इन सारे मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी।
सब्ज़ी में मैंने नमक भी डाल दिया था और अपने हिसाब से पानी भी डाल दिया था, क्योंकि मुझे सूखी बनानी थी तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो बस अभी थोड़ी देर में सब्ज़ी भी रेडी हो जाएंगी, तो उसी के साथ में मैंने जैसे बताया कि एक दूसरी तरफ मैं रोटियां बना लेती हूँ तो फटाफट काम निपट जाता है। तो ये देखिए एक तरफ रोटियां भी बन रही है और बस सब्ज़ी भी बन गई है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए ये मेरे खाने के लिए पूरी थाली तैयार है, दही सा दूधी की सब्ज़ी, रोटी और एक हरी मिर्च। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।